सबसे पहले जय श्री राम और कठुआ हलचल की तरफ से सभी शहरवासियों को और जितने भी दर्शक ये देखेंगे उन्हें दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उतीन शर्मा अपने कैमरामैन आदित्य के साथ इस वक्त आ चुका हूँ रामलीला मैदान कठुआ में, और जिस तरह से आप देखते हैं हर साल जो है धूमधाम से जो है दशहरे का पर्व जो है मनाया जाता है। भारी संख्या में कठुआ के नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी आते हैं, और जिस तरह आदित्य के जरिए आप देख रहे हैं वहाँ पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और जाहिर सी बात है रावण के पुतले जो है वहाँ पर लगाए हैं, और कुछ ही देर के अंदर जो है अब इनका दहन किया जाएगा। पर उससे पहले कि ये दृश्य जो है ये देखिए, यहाँ पर सारे बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चे भी आप देख रहे हैं वो भी दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर देखिए सारे के सारे लोग जो है अभी भी थोड़ा सा जो रामलीला का मंचन जो है वो चल रहा है, और ये सारी तस्वीरें जो है आप उतीर्ण शर्मा और आदित्य कैमरामैन के जरिए जो है कठुआ हलचल से जो है वो देख रहे हैं। और वहाँ पर राम नाटक सभा क्लब कठुआ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भी वहाँ पर खड़े हैं, और मुख्य अतिथि तो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। अगर बात करें आदित्य, यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो भी लगाई गई है, और इतना ही नहीं यहाँ पर जो है पुलिस भी जो है चप्पे चप्पे पर जो है वहाँ पर मौजूद है। वो देखिए वहाँ पर भी जो है आपको पुलिस जो है वो दिख रही है। अब कुछ ही देर के अंदर, अभी तो 5 बज रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो है जब दहन किया जाएगा तब आप देखिएगा। हम तो सभी शहरवासियों से यही अपील करते हैं हर साल कि आप आए देखिए, अपने बच्चों को जो है वो लेकर आए रामलीला मैदान कठुआ में। मेला लगा हुआ है, यहाँ पर खाने की चीज़ें भी है, बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ये आप देखते आते हैं, परंतु पब्लिक देखिए, पब्लिक कितनी है यहाँ पर, और ये सारे दृश्य जो है आप ये कठुआ हलचल के ज़रिए जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे टीवी स्क्रीन की बात करें चाहे आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं, ये सारे इसके सारे दृश्य जो है ये आप देख रहे हैं। और नीचे आदित्य नीचे दिखाइएगा क्योंकि हम ऊपर खड़े हैं, ये देखिए नीचे का दृश्य जो है यहाँ पर देखिए कितना उत्साह है लोगों के अंदर, और लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और लोग जो है काफ़ी इंतज़ार रहता है कि कब दशहरा आएगा, कब रामलीला का मंचन जो है वो शुरू होगा। और जिस तरह से रोज़ाना जो है यहाँ पर रामलीला जो है उसके विभिन्न दृश्य जो है वो दर्शाए जा रहे थे, और जिस तरह से आप ये सारी तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, ये सारी आप कठुआ हलचल के ज़रिए जो है ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं, लोग आ रखे हैं। और मैं और क्या बताऊँ, आप सब जानते ही हैं। और वहाँ पर कुंभकर्ण की जो है वो स्टेज बनेगी, अभी बड़ा कुछ यहाँ पर होना बाकी है, परंतु ये कुछ जो दृश्य है ये दिखाना ज़रूरी है। और हम तो कहेंगे कि जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, और रामलीला मैदान में दशहरे का जो है जो पर्व जो है सब धूमधाम से हम सब मिलकर मनाते हैं। तो मैं भी सभी को कहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आ जाइए। और हाँ, ये तो वीडियो डाल रहे हैं हम अलग से, अब मैं आपको बताऊँगा कि कितनी मेहनत करके जितने भी कलाकार हैं वो तैयार होते हैं। अब हम जा रहे हैं उनके उस रूम में, यहाँ पर वो जो है वो तैयारी करते हैं, और उनसे भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे उनका क्या कहना है। चलिए आदित्य नीचे चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो इस वक्त मैं और आदित्य आ चुके हैं उसी कमरे में, यहाँ पर जो है कलाकार तैयार होते हैं, और जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं जो भगवान श्री हनुमान जी का किरदार अदा करते हैं जिनका नाम है आशु जी, उनसे बात करते हैं। आशु जी, तैयारियां पूरी हैं? सबको मेरी तरफ से जय सीताराम। तैयारी तो जोर शोर से है, हमारे कलाकार भी तैयार हो चुके हैं, जैसे मैं भी तैयार हो रहा हूँ। पहले तो मीडिया बंधुओं का बड़ा धन्यवाद जो हर साल हमें लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। आशु जी, आपका किरदार जो है काफ़ी पसंद किया जाता है, शहरवासी काफ़ी पसंद करते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितना कड़ी मेहनत करने पड़ती है इस किरदार को जो है वो तैयार करने के लिए? इसके पीछे काफ़ी मेहनत रहती है, क्योंकि ये जो रोल है ना बड़ा पवित्र रोल है, इसके लिए आपको बड़ा ही सोच समझ के साथ और सूझबूझ संभल कर चलना पड़ता है कि आपसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए, क्योंकि यदि आपसे चूक हुई तो उसकी समझ लो कि उसकी सजा भी है वो साथ साथ में मिल जाएगी, क्योंकि ये रोल ही ऐसा है जी। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, बोलते हैं ना राम ना चलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना, तो बस ऐसा ही समझिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ये रोल करने को मिला है, और जब तक सांस है जब तक अपने दिल में आस है तब तक करेंगे।
कभी ऐसा हुआ कि रोल करते करते मतलब एकदम से पूरा रोल में घुस ही गए कि मतलब ऐसा अंदर से फील होना शुरू हो गया कि नहीं मैं ही भगवान हूँ, मेरे मुझे मतलब ऊपर वाले की जो है आपको एक पावर कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ गई? देखिए ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सच बोलूँ तो जैसे अभी आप ये वर्दी डाल लेते हैं तो समझिए आप वैसे स्पिरिचुअल पावर हो गए, क्योंकि इस वर्दी में ही इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है। हनुमान, हनुमान जी को सभी लोग बड़े ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही प्रिय हैं। जैसे राम जी के प्रिय थे ना हनुमान जी, वैसे ही लोगों के प्रिय हैं। कोई भी मुसीबत हो संकट हो, वो बोलते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। किसी भी संकट में आप इनको याद करें, अगर संकट 100% है ना तो 80% कट जाएगा, 20% रह जाएगा, क्योंकि इतना तो होता ही है ना, इतना तो होगा। अगर आप बोले कि 100 का 100 कट जाए तो फिर आप इंसान थोड़ी ना रह गए। तो ये हनुमान जी की गरिमा है। एक आखिर में एक सवाल पूछूंगा, इस बार हमने भी देखा, हमने भी रोजाना जो है कवरेज दिखाई है, हमने भी देखा कि इस बार जो है भारी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर रोजाना रामलीला देखने आ रहे थे, तो कितनी खुशी हुई आपको भी ये सब देख कर? देखिए खुशी तो होती है, क्योंकि जिसने इतनी मेहनत की है, कलाकार एक महीने से लगातार मेहनत करते हैं, इतना तो शायद हमने स्कूल में भी स्टडी नहीं की होगी जहाँ जितना हमें अपने रोल को याद करने में करना पड़ता है, क्योंकि पहले प्रॉम्प्टिंग का ज़माना था वो अभी ख़त्म हो गया। अपने घर से आप रीड करके आए, पढ़े बोले सब कुछ जो है वो आपको याद करके ही बोलना पड़ेगा, कि पीछे से आप बोलोगे कि कोई आपको बताएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हनुमान जी का किरदार इतना अच्छा है, किरदार है छोटे से बच्चा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, औरत, महिलाएं, बहनें इतना पसंद करती हैं इस रोल को, तो ये आप खुद सोच सकते हैं। जिनको जिनके प्रिय राम जी के प्रिय हनुमान जी हैं, अगर उनको इतने प्रिय हैं तो लोगों को कितने प्रिय होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो हनुमान जी का रोल बड़ा ही अच्छा रोल है, तो मैं तो चाहूँगा कल को मेरी जगह अगर कोई आए तो वो मेरे से भी अच्छा करके दिखाए, मेरे से बेहतर रोल करे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक हर किसी के लिए नहीं रहती, कल कोई और करता था, जी कल कोई और करता था, आज हम कर रहे हैं, कल हमारी जगह कोई और आएगा, तो हम यही कोशिश करेंगे वो हमसे भी अच्छा करें। बिल्कुल, आपको जय श्री राम हमारी तरफ से। और जिस तरह हमारे साथ देख रहे हैं युवा साथी भी जो है तैयार करवा रहे हैं इनको, और बड़ा अच्छा लग रहा है युवाओं का भी ये योगदान जो है इस तरह से। ये पीछे देखिए यहाँ पर भी जो है पूरी की पूरी तैयारियाँ जो है वो चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक और कलाकार मौजूद है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह है। हाँ जी, विश्व प्रताप सिंह। और जी कौन सा किरदार निभाते हैं? मैं यहाँ पे राम का किरदार निभाता हूँ, श्री राम जी का। हाँ जी। पूरी कितनी जिम्मेवारी रहती है इस रोल को निभाने के लिए? इस रोल को निभाने के लिए बड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कोई, मैं इस रोल के लिए पूरे एक साल तक इसकी तैयारी करते रहता हूँ घर में। जी जी। तो ये रोल करते हुए अभी तो मेरे को 10-12 साल हो चुके हैं, तो अभी इतना नहीं होता, पर स्टार्टिंग में जब मैंने ये रोल लिया था तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी जी। तो आपके लिए तो अभी तो भगवान राम की कृपा है कि मैं ये रोल कर लेता हूँ आसानी से। तो अब कितना समय लगता है पूरा किरदार पूरा प्रिपेयर होने के लिए, पूरे पोशाक पहनने के लिए कितना समय लगता है, मेकअप वगैरह सब? ये पूरा मेकअप करने के लिए कोई 1 घंटा लग ही जाता है हमें। अभी आप देख रहे हो कि मैंने मेकअप करवा रहा हूँ, इसे पूरा मेकअप सूखेगा, उसके बाद पूरी यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, करते करते वो 1-1.5 घंटा में लग ही जाता है। शहरवासियों से क्या मैसेज रहेगा? मैं शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी आएँ रामला ग्राउंड में, जैसे आज दशहरा देखें, हमें खुशी होती है, हम जो ये किरदार निभाते हैं आप ही लोगों के लिए निभाते हैं कि आप लोग आते हो, हमें खुशी होती है। इस बार तो बड़े सारे लोग नवरात्रों में भी आए थे तो हमें खुशी हुई, आप आएँ आगे भी, जब नवरात्रि हो तो अपने बच्चों को लेके रामला ग्राउंड में आए। बस यही है कि लोग आएंगे तो जिन्हें कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे रामलीला में। आप देखते हो कि इसमें क्या सीख रहे हो, बुराई पे शाही की जीत, की बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो पर उसे हारना ही पड़ता है। आपने यहाँ पे देखा रावण कितना बड़ा महान विद्वान था, पर उसने जब बुरा काम किया तो राम के हाथों से हारना ही पड़ा। तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जहाँ लाना चाहिए अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो क्योंकि ये इस वक्त तैयार हो रहे हैं तो मैं भी बिगड़ नहीं डालूंगा। और ये पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर जो है लगे हुए हैं यहाँ पर तैयार होने। ये सारी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, आप पीछे पूरा आदित्य कैमरा जो है वहाँ पर मूव करेगा। ये आदित्य देखिए ये पूरा का पूरा आपको दृश्य दिखा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जो है भगवान लक्ष्मण जी का किरदार आपने निभाते,
स्वतंत्र जी आपके रोल की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मतलब इतनी मेहनत करते हैं और लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली जी बहुत मेहनत करी है, 5-6 साल से इस रोल को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो इस बार प्रशंसा मिली है तो दिल की गहराइयों से प्रभु श्री राम का धन्यवाद करते हैं। 5 साल से पहले कौन रोल करता था ये? हमारे इधर के कलाकार लवली अंडोत्रा जी करते थे जी। उन्हीं से हमने सीखा है, उन्हीं को देख देख के हम सीखे हैं। चलो लवली जी करते थे, जब लवली जी ने बोला कि नहीं अब रोल जो है आप करेंगे तो आप पे कितनी जिम्मेदारी होगी? मतलब मुश्किल था, पहले मैं बाल लक्ष्मण का किरदार अदा करता था, पर जब लवली जी ने ये रोल मुझे दिया तो पहले 1-2 साल मुश्किल हुई, परंतु उसके बाद मतलब प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट हो गया। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है रामलीला देखने आए थे और आपको कितनी खुशी हुई कि आपने जो किरदार की प्रेपरेशन की है उसको देखने इतने लोग आए? देखो हम ये रामलीला मंचन करते हैं और मंचन का मतलब ही तब होता है जब दर्शक देखने वाले हों जी। जितने दर्शक पंडाल में बैठे होते हैं उतना ही उत्साह हमारा भरा होता है जी। इस बार बहुत अच्छा लगा रोल करके और हम आशा करते हैं कि अगली बार इससे भी कुछ अच्छी नई चीज़ें करके दिखाएंगे। आपके साथ साथ चलो रामनाटक क्लब सभा का तो पूरा का पूरा योगदान होता है, अब मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात करें, जो मेकअप आर्टिस्ट जो आपको पूरा मेकअप देते हैं उनका कितना योगदान होता है? इन्हीं का तो योगदान है सबसे बड़ा, मतलब सिर्फ हम खरीदार करते हैं, हम दिखते हैं तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, पीछे जो बैकग्राउंड में पूरा हमारे मतलब एक ग्रुप होता है जो काम करता है, हर एक बंदे एक जो एफर्ट्स होते हैं उनको मिला के ही ये रामलीला का मंचन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला या राम का किरदार जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हमारी पूरी बैकग्राउंड की टीम, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी मैनेजमेंट, सबका योगदान रहता है तभी ये सफल हो पाता है। ठीक है, आपको सबको जय श्री राम। अब मेरे साथ है कुंभकर्ण जी का किरदार निभाने में, पहले तो हंस के बता दीजिए कुंभकर्ण जैसे हंसता नहीं, मुझे ये बताइए कि वो जो उस वक्त सच्ची नींद आती थी ना, सिर्फ सोने का ड्रामा करते हो? सच में आती है, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, उन्हीं के आशीर्वाद से अगर मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं है कई साल से रोल कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 30 साल हो गए हैं जी। लेकिन मैं यहाँ पर इतना अनुभव किया है, इतना महसूस किया है कि जब भी मैं बीमार हो जाता हूँ या कोई होती है, प्रभु ऐसी शक्ति देते हैं, जब भी ये मुझे बुलाते हैं कि ये रोल करना है तो मेरे को पूरी शक्ति आ जाती है। जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं बिट्टू करने वाला हूँ या कोई और हूँ, मैं बिल्कुल कुंभकर्ण के रोल में आ जाता हूँ। भगवान की दया से आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भगवान राम की सौगंध है, मैंने कभी प्रॉम्प्टिंग नहीं ली, कभी रामायण नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे को ये 30 साल से जितने भी मैं किरदार करता हूँ पूरे रोल जो हैं वो बिल्कुल मुझे जवानी अपने आप निकल जाते हैं, मैं एक दिन भी रिहर्सल नहीं करता हूँ। भगवान की असीम कृपा है कि जितना मर्जी मेरे पास साथ हुआ लेकिन मैं फिर भी इस अपने रोल को किरदार को अदाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अब एक डायलॉग कुंभकर्ण का उसमें दर्शकों को जरा बता दीजिए, है कौन जो मौत का अभिलाषी है, कुंभकर्ण की तलवार भी एक मुद्दत से खून की प्यासी है, जरा सामने आओ ना बातें बताओ, दो दो हाथ दिखाओ और वो दो दो हाथ दिखाओ। क्या बात है, आप तैयार हो जाइए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बिट्टू करियाने वाले अंकल सब जानते हैं, कौन नहीं जानते इन्हें, और कुंभकर्ण का जो है वो रोल अदा करते हैं। अभी इस वक्त भगवान श्री हनुमान जी तैयार हो रहे हैं, उनसे एक मैसेज है जी। जी क्या कहना चाहेंगे आशु जी? देखिए मैं प्रभु श्री राम जी को उनके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, जो इस वक्त जो आपदा, जो एक विपदा गौ माता पर आई हुई है, जो भी हमने यहाँ किया है, अगर हमने दिल से किया है या श्रद्धा से किया है, उसमें थोड़ी सी भी हमारी श्रद्धा रही होगी, अगर आप उसका हमें कोई थोड़ा सा भी फल देना चाहते हो तो प्रभु वह फल जो है वो गौ माता को लग जाए, जो उन पर विपदा आई हुई है वो उनसे उनके सर से दूर हट जाए और वह भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि माँ का दर्जा जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि कृष्ण भगवान की सबसे अगर कोई प्यारी चीज़ थी तो वो गौ माता है। तो इसलिए मैं भगवान प्रभु श्री राम से यही दुआ करूँगा कि हे प्रभु, अगर मैंने आपको कभी दिल से या कभी दिल से आपकी भक्ति की है तो उसका जितना भी श्रेय है, जितना भी फल है, वो सारा मेरी गौ माता को जाए, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। यदि आपको और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, कहीं भी आपको अगर गौ माता दिखती हैं संकट में या कोई ऐसी बात है, आजकल बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे सरदार साहब भी हैं जो पार्लियामेंट के हैं, वो भी करते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो वेटनरी में, अभी इनके नाम नहीं याद, तो उनको संपर्क करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनको संपर्क करें, उनके साथ थोड़ी हेल्प करें, तो ये जो विपदा आई है वो टल जाएगी, क्योंकि अगर गौ माता है
तो बच्चा है, अगर गौ माता नहीं तो हम भी नहीं। जय श्री राम। क्या बात है, ये बड़े अच्छा मैसेज दिया आशु जी ने। और देखिए पीछे पीछे देखिए किस तरह से तैयार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो यहाँ पर अपने किरदार जो है वो निभाने के लिए जो है पूरे की पूरी पोशाकें पहन रहे हैं, पूरे रेडी हो रहे हैं। और ये आप सारी तस्वीरें जो है इस वक्त कठुआ हलचल में देखा, वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट है वो भी तैयार करवा रहे हैं बच्चों को। और काम जो है बड़ा, इतना कोई आसान काम नहीं है ये सब जो कर रहे हैं, जो भी किरदार निभा रहे हैं, चाहे मेकअप आर्टिस्ट इनका मेकअप कर रहे हैं, ये कोई भी इतनी आसान चीज़ नहीं है, ये सारी मुश्किल चीज़ें। और आप वहाँ पर अगर कैमरा घुमाए देखिए, वहाँ पर जी हनुमान जी की सेना को जो है वो तैयार किया जा रहा है। और ये सारी तस्वीरें जो है आप ये कठुआ हलचल के ज़रिए देख रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन जो बोलते हैं ना, कैसे कैसे बिहाइंड द सीन्स कैसे तैयार होते हैं सारी चीज़ें। और हमने कुंभकर्ण जी से भी बात कर ली, राम भगवान जी से भी बात करी, लक्ष्मण जी से भी बात करें, उस तरह रुक करते हैं, उस तरफ चलते हैं। और आदित्य हम दिखाते जाते हैं उधर इस वक्त क्या चल रहा है, ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है। और तो ये देखिए, ये आप अभी भी जो है पीछे देखिए यहाँ पे कितने संख्या में जो है वो लोग आ रखे हैं। ये सारी तस्वीरें जो है आप इस वक्त कठुआ हलचल पर देख रहे हैं। हमने किरदारों से बात कर ली, क्योंकि सभी को तंग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि सब बार बार तंग होते हैं, क्योंकि वो जो है अपने किरदार को इतनी मुश्किल, क्योंकि आज आखिरी दिन होता है, आज दशहरा है और आप सब जानते हैं कि दशहरे को हम सब धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं राम नाटक क्लब कठुआ के अध्यक्ष से भी बात करूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि इस वक्त इस बार जो है किस तरह के जो इंतज़ाम थे और किस तरह से जो है सक्सेसफुल जो है इस इवेंट को बनाया गया है। और वही ये सारी की सारी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं कठुआ हलचल के ज़रिए। और मेरे साथ है देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी, कितना अच्छा लग रहा है इस बार, हम भी देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में जो है लोग आ रखे हैं यहाँ पर। देखिए कि आपको पता है कि हमें तो अच्छा लगेगा लगेगा, मैं पूरे अपने शहर वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की इस विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम जी से यही कामना करता हूं। हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हो, आप ही ने इस सृष्टि का संचालन किया है, आप ही इस सृष्टि को चलाते हो और आप ही ने इस सृष्टि को मार्गदर्शन दिया था इस धरती पर आके। तो हम इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि आप देख रहे हो कि संत समाज जो है पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है कि संत समाज जो है, बड़े बड़े संत जहाँ पर मठ के, हमारे लखनपुर किला मंदिर के राजेश बिट्टू जी जो संत समाज से संगठन महामंत्री हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो पिछले 20-25 साल से समाज का जो काम कर रहे हैं, जो धर्म के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपना जीवन जो है इन्होंने धर्म के लिए दिया है। मोहनगिरी जी हमारे जो नगरी से हैं, जितने भी हैं, डोगरा साहब, जितने हमारे सरपंच साहब हैं, बड़े भाई साहब, ये भी आज हमारे बीच आए हैं, मैं इनका तहे दिल से इतना शुक्रगुजार हूँ कि इतिहास में मुझे भी, मैं क्या बताऊँ, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है शहरवासियों की, संत समाज के जो है यहाँ पर बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ पर आ रखे हैं। देखिए ये तो बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, इस पावन कठुआ की जो पावन धरती है, जो राम नाटक सभा कठुआ है एक पावन धरती है, इस धरती के ऊपर जो संत समाज आया है, इससे बड़ा कोई भी मैं नहीं समझता कि इससे ऊपर भी कोई दुनिया है। हमारे लिए जीवन में यही हमारे लिए शिव हैं, यही सब कुछ हैं, क्योंकि कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुरु सन्यासी है, तो जो ब्राह्मण भी जहाँ है सन्यासी भी जहाँ है, तो हम लोग क्षत्रिय लोग हैं, हमें तो जीवन का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने जो सीखा अपने जीवन में पिछले 7 साल से मैं महाराज जी के साथ जुड़ा हूँ और बिट्टू जी के साथ, संतों के साथ जुड़ा हूँ, आज जीवन की जो भी मैंने आज तक जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं इनकी बदौलत ही पहुँचा हूँ। मुझमें कहाँ इतनी औकात थी कि मैं इस राम नाटक सभा के लिए और इस मंच का मैं संचालक करूँ, मैं प्रेजिडेंट बनूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी संस्था का प्रेजिडेंट बनूंगा या मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा, क्योंकि हमने अपना जीवन भी पिछला 20-25 साल हमने अपने जीवन के ऐसे ही गुजार दिए अंधेरे में ही, क्योंकि संगत ऐसी नहीं थी। जैसे रंगत कैसे होती है इंसान की, संगत के साथ रंगत होती है, तो संगत इनकी थी तो रंगत हमारी है। तो हम लोग सभी को, पूरे समाज को, पूरे कठुओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हमारा कोई भी, अगर मैंने पहले भी आपको बोला है कि देवेंद्र सिंह सन्नी की कहीं भी किसी की को भी कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगी, हम लोग 24/7 24 घंटे हम लोग तैयार हैं धर्म के कार्य के लिए। हाँ, हर बंदे का अपना धर्म होता है, कोई हिंदू मुस्लिम से हर धर्म है, हम हर धर्म को मानने वाले हैं, हम चारों धर्मों को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सनातन को ही मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, क्योंकि जिस धर्म में हमने जीवन में जन्म लिया है
तो हम पहले उसी को मानेंगे, उसके बाद बाकी वालों को मानेंगे। मैं एक सवाल और पूछूंगा कि आपकी टीम में आखिर कितने लोग हैं जो ये पूरी तैयारियां करते हैं, इतने दिन जो पूरी तैयारी होती है, कितने लोग हैं ये बता दीजिए दर्शकों। देखिए, सबसे पुराने हमारे इंद्रपाल गुप्ता जी हैं, जो पिछले 50 वर्षों से राम नाटक सभा कठुआ के साथ ये जुड़े हैं। 50 वर्षों से हमारे सिर का ताज कौन है? ये हैं, क्योंकि दशरथ का रोल जो है ये लोग अदा करते हैं, और हमें आई दिनों कोई छोटी छोटी कोई भी अगर हमें कोई त्रुटि रहती है तो ये लोग हमारी पूरी करते हैं। अमित जी हैं हमारे, रोहिन जो है हमारा छोटा भाई है और हमारी क्लब के साथ जुड़ा है, वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारे, मेहता जी हैं जो हमारी टीम के मोस्ट सीनियर हैं, हमारे प्रिंस दोतरा है, वरुण सलातिया जी है, सुरखू जी हैं हमारे, रोनी मेहता हैं हमारे, हमारे स्टेज के जो सेक्रेटरी हैं, हमारी इस मंच के जो सेक्रेटरी हैं नीरज सिंह बलोरिया जी, लड्डू जी जो स्कॉट्स यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉई भी हैं हमारे क्लब के। मैं कोई एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लब जो है इसमें जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं, ये 100 में से 80% एम्प्लॉयज हैं, और जब से ये इस क्लब के साथ जुड़े थे आज तक ये चली आ रहे तरक्की। कहते ना कि दिन दुगनी और रात चुगनी, कहते पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी चढ़ता। महाभगत जी हमारे बीच में है और किले वाली माता जिनका आशीर्वाद हमें 24/7 है, हम माता के भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, शंकर बोले बाबा के हम उपासक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट वही हैं, क्योंकि शंकर भी विरागी थे, हम लोग भी उनके साथ ही चल रहे हैं, जैसे उनका जीवन चलता था हम भी अपना जीवन, हम कोशिश करते हैं, हम उनकी तरह नहीं हो सकते क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, वो भगवान थे, हम भगवान थोड़ी हैं कोई। इधर कठुआ में ऐसे भी कुछ राजनेता हैं जो भगवान का दर्जा लेते हैं कि हम लोग भगवान बन गए हैं, भगवान कोई नहीं है भाई साहब, अपने अपने कर्मों का हिसाब इंसान को देना पड़ता है। हम लोग आपका और खासकर कठुआ हलचल, सिटी न्यूज़ और जितने भी हमारे कठुआ के चैनल हैं, दैनिक शिफ्ट टाइम है, SB कठुआ है, जितना भी हमारा कठुआ का प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना भी मीडिया है, मैं इनका तहे दिल से हाथ जोड़ के बड़ा अभिनंदन करता हूं इनको कि आप लोगों के माध्यम से हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसको हम लोग दूर करेंगे, अच्छाइयों को हम लोग लाएंगे। आज भी आपको पता है कि रावण ने गलत काम किया था, रावण भी एक चार वेदों का ज्ञानी था, रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं था शिव का, शिव तांडव जो बोला वो रावण ने ही बोला है, आज हम लोग बोल रहे हैं उन्हीं से सीखा हम लोगों ने, क्योंकि शिव का भक्त जो था और वो रावण ही था, रावण ने अपनी मुक्ति कैसे लेनी थी इस संसार में, जब रावण एक इतना बड़ा योद्धा और इतना बड़ा, उसको सब कुछ पता था, हर बात का पता था, क्योंकि मुक्ति भी एक कोई चीज़ होती है, उसने मुक्ति लेनी थी, तो इसलिए आज धर्म की विजय होगी, अधर्म की हार होगी। आने वाले दिनों में भी आप देखो तो जहाँ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम लोग भी उसका एक छोटा सा हम कार्यकर्ता हैं, हम किसी एक छोटी सी पार्टी के, बस हमारी बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी सी हमारी पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम लोग उसका जो भी है वो करेंगे। ये तो पार्टी है, पर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर जितने भी सदस्य आदित्य के थ्रू देख रहे हैं, सारे राम नाटक क्लब कठुआ के सदस्य जहाँ जहाँ कैमरा घुमा रहे हैं, आदित्य ये दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि देवेंद्र सिंह जी ने तो नाम तो ले लिए, नाम बड़े हैं, सभी के नाम ले लिए यहाँ पर जितने भी हैं, और पीछे ये यहाँ पर आप देखते जाए, यहाँ पर ये सारी की सारी तस्वीरें जो है आप आदित्य के जरिए जो है ये देख रहे हैं। और आदित्य एक बार फिर से जो है पब्लिक दिखाए, पब्लिक कितनी आ रखी है यहाँ पर, संत समाज के जितने भी बड़े नाम हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और काफ़ी सौभाग्य की बात है शहरवासियों के लिए। और ये देखिए, ये सारी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हैं रामलीला देखने के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो है वो दहन कर दिया जाएगा, अभी काफ़ी समय बाकी है, इसलिए जो लोग अभी भी घर पर हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है दशहरे का पर्व जो है वो हम सब धूमधाम से मनाएं। बस हम यही कहेंगे, अब हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हैं, और जो बाकी वीडियो है वो भी हम पार्ट्स में जो है वो अपलोड करते जाएंगे। तो बने रहिए कठुआ हलचल के साथ, कैमरा मैन आदित्य के साथ, मैं आपका दोस्त हूँ तीन शर्मा, रामलीला मैदान कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।